Okay. Your left. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एडवेंचर के साथ साथ एक फिटनेस ट्रिप होने वाला है एंड आई थिंक फिटनेस हर एक की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हम सबको फिटनेस की तरफ बहुत अटेंशन देना चाहिए और बीइंग एक्टर्स कभी कभी हमें अपने स्केड्यूल से टाइम नहीं मिल पाता बट आई थिंक दिस इवेंट दैट इज़ हैपनिंग इज सो गुड बिकॉज आप ट्रैवल शो के साथ साथ आप उसमें फिटनेस भी इन्वॉल्व कर रहे हो एंड एज एन एक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आप शूट पे भी जाते हो तो हम हमेशा क्रिप करते रहते हैं कि हमें वर्कआउट का टाइम नहीं मिला तो इसके साथ साथ यू नो काम के साथ साथ वर्कआउट हो रहा है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. आई थिंक यही एक यूनिक चीज़ है इस शो के बारे में. एंड कमिंग बैक टू माय फिटनेस मैं भी ऑन एंड ऑफ जिम जाती रहती हूँ. जब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता तो मैं घर पर वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ. थोड़ा योगा हो गया या थोड़ा डांसिंग हो गई यू नो फ्री स्टाइल डांसिंग एट होम ऑल्सो रियली हेल्प्स बिकॉज आपकी बॉडी को एक फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है वेदर इट्स जिम वर्कआउट स्विमिंग एनीथिंग. तो जब आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही होती फ्रीज हो जाती है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सर्कुलेशन की आपको थोड़ा बॉडी में एक्टिविटी होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू एंड कीप माई सेल्फ एक्टिव एंड शूटिंग में भी वैनिटी में या अपने मेकअप रूम में बंद करके मैं अपने आपको थोड़ा एंटरटेन म्यूजिक के थ्रू डांस करके करने की कोशिश करती हूँ. सृष्टि ये तो हुई फिटनेस की बात. इसके अलावा बारेन भी जाने वाले बारेन जाने वाले हैं. तो सृष्टि की ऐसी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पे सृष्टि जाना चाहती है अगर कुछ शेयर करना चाहे अपने फैंस के साथ? बारेन बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है. मैंने जो आइटनरी हमें मिली है उसमें थोड़े पिक्चर्स हैं एंड द प्लेस लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. तो अभी फिलहाल तो मैं बारेन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगी बट अदरवाइज सच बताऊँ मुझे डिज्नीलैंड जाना है. आई रियली वॉन्ट टू गो टू डिज्नीलैंड बिकॉज आई एम रियली फॉन्ड ऑफ कार्टून्स एंड आई वुड लव टू गो. इट्स अ वेरी फन प्लेस. सो हम फिटनेस की बात करें मूवमेंट्स जानने वाला है पिछला क्या एडवाइस देना चाहूँगी जो हाउसवाइफ है? अरे हाउसवाइफ को क्या वो सबसे ज़्यादा काम करती है. मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा भागदौड़ बनाई सी माई मदर. आई थिंक मेरे से ज़्यादा एक्टिव मेरी मम्मी होती है. इतना आप इधर से उधर चलना यू नो स्टैंडिंग फॉर सो मेनी आवर्स. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द हाउसवाइफ्स बिकॉज दे वर्क रियली हार्ड मोर देन अस बिकॉज हमें भी काम करते करते जब थोड़े से ब्रेक्स मिलते हैं हम बैठ जाते हैं थोड़ा आराम करते हैं. बट आई थिंक हाउसवाइफ्स को बिल्कुल भी कोई एडवाइस की जरूरत नहीं. इनफैक्ट मैं सुनती रहती हूँ मेरी मम्मी से व्हेन शी टेल्स मी दैट यू नो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग बिकॉज एक जगह पे बैठी हुई हूँ एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई डोंट थिंक आई नीड टू गिव एनी एडवाइस टू एनी हाउसवाइफ. इसके अलावा बिग बॉस के बाद एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर? यस माय फिल्म इज कमिंग दैट विल बी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स बट उसका पैच वर्क थोड़ा बाकी है. सो आई कांट प्रॉमिस कि कभी आने वाली है बट इसी साल आएगी एंड बस वही है जिसके लिए हम वेटिंग. सृष्टि एक थोड़ा सा अलग सवाल है. अभिनंदन जो है हमारे देश में अपने घर वापस लौट रहे हैं कितने खुश हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई वॉज रियली प्रेइंग दैट ही शुड गेट बैक होम एंड थैंक यू पाकिस्तान कि आपने इतना अच्छा वो किया है एंड आई एम रियली हैप्पी. वेलकम बैक होम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.